आज एक खबर आई है रेलवे की तरफ से, हालांकि इससे पहले भी आई थी कि 72,000 पदों को ख़त्म कर दिया गया है। मतलब 72,000 पदों पर रेलवे में अब भर्ती नहीं होगी तृतीय और चतुर्थ वर्ग का, मतलब थर्ड और फोर्थ क्लास के जो नौकरियां थी वो 72,000 पदों को ख़त्म कर दिया गया। आज एक और खबर आई है वो भी रेलवे से, 91,600 के आसपास में पदों को ख़त्म किया गया है गैर संरक्षा श्रेणी में आने वाले जो रेलवे में पद थे उनमें से 91,000 पदों को लगभग ख़त्म कर दिया गया। मतलब भविष्य में कभी भी अब यहाँ पर भर्ती नहीं होगी। क्यों ख़त्म कर दिया गया है, आखिर ऐसा क्या कुछ हो गया है? तो कहा गया कि ये गैर ज़रूरी पद हैं, अब इन पर नियुक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तर्क दिया गया है। इसके साथ ही एक और बात इसमें कहा गया कि 50% के आसपास में जो गैर संरक्षक पद हैं उसको ख़त्म करने का रेलवे ने अल्टीमेटम दिया है सभी जोनल को, 17 जोनल हैं सभी को, जिसमें से 91,000 ख़त्म हो गया। टोटल 4,00,000 के लगभग में गैर संरक्षक पद हैं और जिसमें से 50% जो है ख़त्म करने की बात कही जा रही है। आखिर इस देश में नौकरी की हालात क्या है और रेलवे और इस देश में और पुलिस की नौकरी, खासकर जो गरीब और ग्रामीण लोग हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वे दो नौकरियों में सबसे ज़्यादा जाते हैं, एक रेलवे और दूसरा जो फोर्स की नौकरी है। आप कुछ दिन पहले भी एक खबर एक आई थी कि आर्मी में 1,50,000 के आसपास में पदों को ख़त्म कर दिया जाएगा। एक खबर और भी आई थी कि अब जो सेना में भर्तियाँ होंगी कंट्रैक्ट पर 3 साल के लिए होगी। मतलब एक तरफ यह देश बेरोज़गारी से इस तरीके से जूझ रहा है कि जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे थे अब उन्होंने नौकरी नहीं मिलने की उम्मीद में तैयारी करना छोड़ दिया है। दूसरी तरफ इस तरह की अगर खबरें आती हैं, नियुक्तियों की खबर कम और पदों को ख़त्म करने की, नौकरियों को ख़त्म करने की अगर ज़्यादातर आती है, तो आप समझिए कि इस देश की युवाओं के भविष्य के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। हम मानते हैं कि इस देश में बहुत कुछ हो रहा है, सब तरह उत्साह है, उमंग है, हम बड़ी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी युवाओं से पूछा है कि जो नौकरियां आप ख़त्म कर रहे हैं वो किसी युवा के भविष्य संवार सकता था, किसी घर के लिए क्या कुछ हो सकता था जो महीनों से सालों से बस यही ख्वाब देखते हैं मैट्रिक और 12th पास होने के बाद, किसी तरीके से जो आम गरीब ग्रामीण परिवेश में रहने वाला बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ यही होता है कि किसी तरीके से आप मैट्रिक और ग्रेजुएशन करने के बाद आप अपनी मेहनत के और मेहनत और लगन से आप कोई एक तरह के जॉब हासिल कर लेंगे। रेलवे सबसे ज़्यादा नौकरी देता है, इसके बाद आपको हमारे यहाँ जो फोर्स की नौकरियाँ होती हैं, इंडियन आर्मी का हो या बाकी जो फोर्स है, CRPF हो, BSF हो और राज्य पुलिस में, सबसे ज़्यादा भर्तियाँ होती हैं जिसमें ग्रामीण परिवेश से निकल के लोग जाते हैं। और इन नौकरियों पर धीरे धीरे इसके पीछे एक ही वजह है, पद तो है, काम की ज़रूरत है, लेकिन आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, मतलब ठेकेदारी प्रथा को ले आ जा रहा है। रेलवे में ख़त्म करने का सबसे बड़ा कारण यही है और इसलिए तमाम जो यूनियन है इसके विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनको विरोध का फ़र्क सरकार पर कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। आप देखिए कि जितनी भर्तियाँ रेलवे में हो नहीं रही है, आज स्थिति है कि 1,50,000 के आसपास में रेलवे में कुल पद है, जिसमें 13,50,000 के आसपास में अभी लोग, रेलवे का डाटा है कि लोग नौकरी कर रहे हैं और बाकी पदों पर भर्तियों के बदौलत उसे ख़त्म करने के एक तरह से टारगेट दे दिया गया। क्या जिस तरीके से रेलवे की कमाई बढ़ रही है, जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, क्या ये पदें बढ़नी चाहिए थी या घटानी चाहिए थी, सोचना आपको है, समझना होगा कि एक के बाद एक इन नौकरियों को ख़त्म करके उसके पीछे तर्क, इतने सुनहरे सपने और तर्क दिया जाता है कि हमने इसे ख़त्म कर दिया है, एक तरीके से इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इससे रेलवे का और विकास होगा, लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इस तरीके के तर्क दिया जाता है। तो कितना आप सहमत हैं और क्या आपके लिए भी बेरोज़गारी बड़ी समस्या है या नहीं, या 91,000 पद या 72,000 पद या भविष्य में आने वाले जो और पदे ख़त्म किया जाएगा, जो टारगेट है कि 50% पदों को ख़त्म कर देना है, कि ख़त्म नहीं होगा बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चला जाएगा। आप देखिए फैक्ट्रियों के अंदर ही हो रहा है, जिसमें से इस पद ख़त्म किए हैं, इसमें रेलवे कुछ फैक्ट्रियां हैं, वाणिज्य डिपार्टमेंट है, RPF है, मेडिकल है, तमाम जो रेलवे के अलग अलग विंग हैं उनसे पदों को ख़त्म किया गया है और आगे और टारगेट दिया गया है। मतलब 4,00,000
कुछ हज़ार पदे हैं गैर संरक्षा में, उसमें 50% खत्म कर दिया जाएगा। तो मतलब आप समझिए कि संख्या 2-2.25 लाख के आसपास में रह जाएगा। ये सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से ये टारगेट दिया गया, इस तरह की खबरें आती हैं। लेकिन इस तरह की खबरों का अब इस तरह के तवज्जो नहीं मिलता, और इसी के कारण है कि आप देखिए कि बेरोज़गारी इतनी बड़ी, 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी के जो है आंकड़े अपने उच्चतम दर पर हैं, लेकिन इसके बाद भी इस सवाल पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता, पार्लियामेंट के अंदर शोर भी नहीं होता। युवा, आपने देखा कि रेलवे, इसी रेलवे के लिए कितने दिनों तक सड़कों पर रेलवे उन्होंने जाम किया, इसी NTPC के रिज़ल्ट के लिए, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। क्या NTPC के जो रिज़ल्ट में गड़बड़ियाँ थी वो सुधार ली गई है? युवाओं की भर्ती हो गई? नहीं हुआ। बस समय के लिए टाल दिया गया है, और इसीलिए आप और हम इस दर्द को नहीं समझते हैं। उस दर्द को उस युवा से पूछिए जो पढ़ने लिखने के बावजूद भी अपने माँ बाप से पैसे मांगता है, और उन जो है उनकी मजबूरी को देखते हुए भी उनसे वो पैसे मांगने के लिए मजबूर है। तो बस इतना ही कहना है कि हर तरफ उत्साह है, हर तरफ उत्साह और विश्वास से भरा हुआ है, बस डरा हुआ है। तो बेरोज़गार, थोड़ा सा जो बेरोज़गार है वो डरा हुआ है। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शशिभूषण, सुशल संवाद दिवस, झारखंड।